नौरत्नगढ़ में अंदर घुसे तो यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, अभी तो ये टूट चुका है। और देखिए यहाँ पे ऐसे है सीलिंग। गाइस वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं नौरत्नगढ़ और ये है झारखंड के गुमला जिले में पड़ता है सिसई में, और सिसई से ये 10 किलोमीटर अंदर में पड़ेगा। और ये है नौरत्नगढ़, वो जो देख रहे हैं आप लोग। और ये एक पर्यटक स्थल है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। किले को नागवंशी शासक राजा दुर्जनसाल ने बनवाया था और यह नागवंशियों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का टाइमिंग बताइएगा, मतलब ये कब से खुलता है और फिर कितने बजे तक यहाँ रह सकते हैं? यहाँ सुबह 8 बजे खुलता है, शाम 6 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, और ये मतलब किसी भी दिन आ सकते हैं? हाँ, किसी भी दिन आ सकते हैं। साल भर पूरा। Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good. वो है फर्स्ट किला और ये है सेकंड। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर ही पत्थर, पत्थरों का पहाड़। ये 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। आप लोग देख रहे हैं ये आई थिंक ये टूट चुका है बट उसका मरम्मत चल रहा है और हम लोग वहां जा रहे हैं, वो अंदर से भी है। बनाया हुआ था यहाँ से, जो बच्चे
हुआ करता था, राजा राम महाराजा यहाँ पे बैठ करके। यहाँ से जैसे निकलेंगे फिर देखिए बहुत सारे यहाँ पे किले बने हुए हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से तो और भी अच्छा दिख रहा है, देखो ये वाला, ये मेन किला है क्या? हाँ चल ही रहा है, चलो ना। हाँ ठीक है। वो देखिए सबसे ऊंचा इमारत है राजाओं के, यहाँ जो किला है, यहाँ पहुंचने से पहले ये सब। जो लाइट्स लगी हुई है ये पूरा नौरतन गढ़ का ये मेन किला है, और इसके चारों ओर प्रोग्राम होने वाला है 15 अगस्त को, तो लाइट्स वगैरह लगी हुई है। पर इस किले में 9 कमरे हैं, इसी वजह से इसे नौरतन गढ़ कहा गया है। 1, 2, 3 और देखिए ऊपर भी है गढ़। जो ये 9 कमरों वाला जो किला है उसके चारों तरफ देखिए पहाड़ी पहाड़ों भी पत्थरों का। ये जो किला है इसके जस्ट एकदम सामने में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ये है तालाब। यहाँ की बनावट देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना। सुनो, उस जमाने की तालाब, राजा रजवाड़े लोग यहाँ पे आते थे। कितना ऊंचा ऊंचा ये पत्थर है ना, वो इजिप्ट का जैसा लग रहा है वो वाला पत्थर। तो वो नौरतन गढ़ के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और ये जो पूरा नौरतन गढ़ जो है, ये जो किला, ये जो पूरा एरिया है वो 27 एकड़ में फैला हुआ है। तो कैसे ना है वो जो ऊपर वाला, कौन वट से है? तले हिस्से बहुत ऊपर है। तले और हिस्से कितना देरी लग तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और हम लोग बीच में जंगल रन हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, बहुत मेहनत किए बट आए तो बेकार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस और कुछ देर वो जो देख रहे हैं वहाँ तक जाना है। फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं, इतनी मेहनत करके 2000 साल बाद, और वो रहा सोलो, वो तो हमारे साथ आया नहीं। सोलो मेरी आवाज पहुंच चुकी है मुस्क तक। ये सबसे टॉप जगह है यहाँ पे नौरतनगढ़ में, और यहाँ पे पूरा यहाँ से वॉच करते थे, नजर यहाँ पे निगरानी रखते थे। इस किले का बैक साइड, चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं। टंगरा ने अथी
गबोई छे टांगा हां कहां ऊपर में ऊपर रखते हैं हां मतलब ऊपर की से हां ताद में इतना ध्यान देना है हीने है हीने पहला टांगा से निकलता है पत्थर लिथर मानते हैं टांगी से हां टंगिया से पत्थर काटते थे अच्छा और खरगोश निकल है ई पाखी घुस के ऊ पाखी निकल है हां पर है क्या मूर्ति है मूर्ति नहीं माने पहाड़ का डहर बोई ओ रास्ता बन गया ये तालाब तो भरता होगा ना बरसात में पूरा पानी ही आता है पानी कौन जगह ठेकी है पहाड़ के ऊपर क्या क्या है पहाड़ के ऊपर ढेकी और पूर्णा पानी है महादेव पानी कर भीतरे ओ जे सुखो जे पारी से है पारी टोमरे अच्छा और नई से मन के सबको नहीं मिलेगा ओ होय और पानी वहां कर कोई नहीं आ तो मेरा इजारी कितना भी धूप रहे नहीं हटाएगा ये लास्ट में वहां से उतरे और ये फिर और एक है कहां पर वो जो टूटा हुआ था वो उसमें अंदर से घुसे थे नहीं नहीं अंदर से कहाँ घुसा हुआ टुकु है टुकर ऊपर है तो है यानी क्या था कमुरी और माथी बरका मोट कर महादेव एकदम अच्छा ये वाला घर में नहीं रुके रुके बता दीजिए हाँ तो आई है मैं देखी थी अच्छा कह रही है ऐसे बता रहे हैं पाइप क्या है ऊपर गए थे पालकोट गए थे उस समय का अरे ये क्या है कुआं था ये देखिए कुआं ओ इसको भर रहे हैं कहां पर बोल रहे हैं वहां गए थे वहां महादेव के देख ला हां भीतर नहीं गए थे भीतर थोड़ी है ऊपर से जो दिशा से ओ ऊपर नहीं तो बन रहा है मतलब जो गिर रहा है उसको ये लोग बना रहे हैं मंदिर है मंदिर है क्या मंदिर है ओ, तो इसको बनाया जा रहा फिर से